हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो लखनऊ में है उसका फर्स्ट राउंड का ऑल इंडिया का 15% का कट ऑफ क्या रहा है। उसके साथ साथ जो है यूपी की जो काउंसलिंग चल रही है उसमें 85% जो सीटें स्टेट के थ्रू फिल होती है उसका क्या कट ऑफ रहा है। तो दोनों का 15% और 85% के हिसाब से हम KGMU का जो फर्स्ट राउंड का आपको कट ऑफ बताने वाले, जिससे कि आपको दोनों जो लेवल की काउंसलिंग जो है उसको कंपेरिजन करना आसान रहेगा। हमारे सारे चैनल फॉलो करते रहिए जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। नीट यूजी 2021 की काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, यूपी स्टेट कोटा 85% के हिसाब से एंड ऑल इंडिया कोटा 15% के हिसाब से। हम किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो बिल्कुल महल की तरह कॉलेज होता है, बिल्कुल बढ़िया कॉलेज लगता है ये कॉलेज की अपन बात करते हैं, इसका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट क्या है MBBS के लिए उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि हम जो बात कर रहे हैं वो 15% की बात कर रहे हैं, है ना। 15% ये आप देख रहे होंगे जो कोटा है वो ऑल इंडिया कोटा है, ठीक है। तो MCC के अकॉर्डिंग जो काउंसलिंग है उसमें KGMU का जो फर्स्ट राउंड का क्या कट ऑफ रहा है, कितनी सीटें अलॉट हुई है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो जनरल कैटेगरी ओपन कैटेगरी की बात करें टोटल 9 सीटें अलॉट हुई है, ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक 987। इसी तरीके से EWS को टोटल 4 सीटें अलॉट हुई है फर्स्ट राउंड में। हम बात कर रहे हैं 15% की, आप कोटे पे जरूर ध्यान देना, ठीक है। 4 सीटें अलॉट हुई है, ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक की बात करें 1712। इसी तरीके से OBC जो है उसको 13 सीटें अलॉट हुई है, ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक की बात करें 49। OBC को टोटल 13 सीटें अलॉट हुई है एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक की बात करें 1949। इसी तरीके से SC कैटेगरी को 15% कोटे के हिसाब से बात करें तो 15% कोटा ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, 6 सीटें अलॉट हुई है एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक की बात करें 18279। इसी तरीके से ST को 3 सीटें अलॉट हुई है एंड क्लोजिंग रैंक की बात करें 32651। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि लखनऊ जो है उसका 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग के हिसाब से, ऑल इंडिया कोटे के हिसाब से रिस्पेक्टिव कैटेगरी में कितनी सीटें अलॉट हुई है एंड क्या उनका क्लोजिंग रैंक रहा है। अब हम इसी KGMC लखनऊ का जो है अब हम यूपी की काउंसलिंग के बेसिस पर जो 85% सीटों पर जो काउंसलिंग चल रही है उसका क्या कट ऑफ रहा है रिस्पेक्टिव कैटेगरी में और कितनी सीटें अलॉट हुई है उसका हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपके सामने जो है 85% स्टेट कोटा के हिसाब से जो है डिफरेंट कैटेगरी का हम कट ऑफ देखने वाले हैं, ठीक है। तो कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी जो है यहाँ पर ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक की बात करें 2386 है एंड ऑल इंडिया क्लोजिंग मार्क्स की बात करें 662 है। इसी तरीके से जो BC बैकवर्ड क्लास जो कैटेगरी बनती है उसका जो ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक है 3697, ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर की बात करें 652। इसी तरीके से SC कैटेगरी की बात करें तो ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक 41376, इसी तरीके से ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर 558। ST कैटेगरी को जो ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक रही है KGMC लखनऊ के लिए 85% जो कोटे की बात कर रहे हैं स्टेट कोटा, ठीक है, 89952, ऑल इंडिया क्लोजिंग स्कोर की बात करें 492। तो इस तरीके से हमने देखा है कि लखनऊ जो KGMC किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है जो यूपी की काउंसलिंग से तो डेफिनेटली नंबर वन पर फेल होता है, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर भी यदि बात करें तो ये इसका एक अच्छी खासी रैंक जो होती है रहती है। तो बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज में KGMC जो लखनऊ आता है, तो इसका हमने ऑल इंडिया काउंसलिंग के अकॉर्डिंग एंड स्टेट काउंसलिंग के अकॉर्डिंग दोनों काउंसलिंग के अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट राउंड का हमने कट ऑफ बता दिया है। बाकी कॉलेज जो लखनऊ के कॉलेज है उनका 85% के हिसाब से क्या कॉलेज रहा है गवर्नमेंट और प्राइवेट का, वो भी हम आपको बहुत जल्द बता देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग आपको जो यूपी का टॉप कॉलेज है प्लस उसके साथ साथ इंडिया का एक टॉप मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज में इसका नाम आता है, तो उसका आपको दोनों जो काउंसलिंग है ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग का हमने कट ऑफ बता दिया। ओके, थैंक यू सो मच।